बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। सिक्स क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 10 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट की थी एमसीक्यूज़ के बाद। ये तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कैमरे की ख़राबी की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुए, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम दोबारा करेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन के ये लेक्चर नहीं लिए, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर 6 के ये बाकी पार्ट और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, लेकिन कैमरे की ख़राबी की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम दोबारा करेंगे। तो देखें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि डिवाइड ऑल द एंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एंगल्स को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जबकि गिवन इन क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन 5 में एंगल्स गिवन हैं, इन तमाम एंगल्स को हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बाउंड नहीं किया गया, कंडीशन नहीं लगाई गई कि आपने कैंपस यूज़ करनी है या प्रोट्रैक्टर। तो हम आपकी मर्ज़ी है आप कैंपस यूज़ करें या प्रोट्रैक्टर, क्योंकि प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल जो है ये ड्रा करना इजी है। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 135 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, फिर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप एक मुनासिब लेंथ की लाइन या कह लें या लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है जी। और आप अपनी आसानी के लिए इसे नाम दे दें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब क्योंकि हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, आपकी मर्ज़ी है बी पर करें या ए पर करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोट्रैक्टर। आप प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लस वाला जो सिंबल है, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे ए के ऊपर, और ये जो लाइन है ये लाइन नीचे वाली लाइन के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखें जी, अगर लाइन सेगमेंट के लेफ्ट साइड पर आप एंगल ड्रा करें तो आपने मेजरमेंट लेनी है नीचे वाली। अब नीचे देखें जी, हमने जाना है 135 तक, ये है 130, ये है 140। 130 और 140 के दरमियान में ये जो कैपिटल लाइन है, यहाँ पर बनेगा एंगल 135 का। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, ठीक है जी। इस पॉइंट को ए से मिला देंगे, इस तरीके से, तो इस रे को, ये जो रे है ये 135 का एंगल बनाएगी, 135 का, ये 135 का एंगल बन गया। अब हमने सिर्फ एंगल नहीं बनाना बल्कि इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने इसके लिए कैंपस लेनी है, कैंपस को आपने मुनासिब ओपन करना है, ठीक है जी। और पॉइंट ए पर रख कर एक आपने यहाँ पर आर्क लगानी है जो इन दोनों रेज को इंटरसेक्ट करे, इस तरीके से। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी निशानी के लिए, कि ये हमारे पास ए बी है, इसे सी कह लें, ये डी और ये ई। अब देखिए जी, डी और ई हमने क्योंकि इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप पहले ई पर रख कर एक आर्क लगाएं, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ओपन कर लें। अब आप इसे डी पर रख कर आर्क लगाएं, तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हाईलाइट करके इस पॉइंट में से एक रे पास कर दें, यहाँ पर रेड बॉल पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि कलर शेड हो। अब देखिए जी, ये हमने
अभी फ़िलहाल 135 के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने जबकि करना फोर इक्वल पार्ट्स में, तो हम इसे भी मज़ीद डिवाइड करेंगे और इसे भी मज़ीद डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपने यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हाईलाइट करना होगा, ठीक है जी। तो आपने, आप अगर इसको नाम देना चाहें ई, इसे एफ का नाम दे दें, अगर ना दें तो कोई इशू नहीं है। अब ई और एफ की मदद से इस एंगल को मज़ीद हम डिवाइड करेंगे। पहले आपने ई पर रखकर एक आर्क लगानी है। इस कैंपस को आप इसी रेडियस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोनों आर्क्स ने जो आपने ई और एफ पर लगाई रखकर सेंटर मानकर, तो इन दोनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इसे आप नाम दे दें या नाम ना दें, आप ऐसा करें इसमें से ये लाइन रे पास करेंगे। नाम देना वैसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमने एक रे पास कर दी, इस एंगल को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मज़ीद हम इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए भी वही अमल दोहराएंगे। F पर रख कर आपने एक आर्क लगानी है और D पर रख कर एक आर्क लगानी है। तो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट में से आपने एक रे और पास करनी है। इस तरीके से अब ये देखें कि 135 के एंगल को हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फोर इक्वल पार्ट्स, ये तमाम जो एंगल हैं ये इक्वल है आपस में, ठीक है जी। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, कर दिया। सेकंड देखें जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में जो सेकंड पार्ट है 105, इसे करेंगे उसके बाद 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट क्योंकि 105 है, इसके लिए भी आप सबसे पहले एक मुनासिब जो है लेंथ की कर ले लेंगे एक लाइन सेगमेंट। इसे आप नाम दे दें, ये हमारे पास ए और ये बी, ठीक है जी। अब ए पर आपने 105 का एंगल ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। अपने ये प्लस वाला सिंबल बिल्कुल पॉइंट ए के ऊपर, और ऊपर ये जो लाइन है, ये लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, इस तरीके से। अब आपने क्योंकि 105 एंगल ड्रा करना है, तो लाइन सेगमेंट के, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पर एंगल ड्रा कर रहे हैं तो नीचे वाली मेजरमेंट लेंगे, अगर राइट साइड पर कर रहे हैं तो ऊपर वाली मेजरमेंट लेंगे, ठीक है जी। अब नीचे वाले देखेंगे 0, 10, 20, 30 अप टू सो ऑन 105 तक जाना है। 105 100 और 110 के बिल्कुल दरमियान में है। अब 100 और 110 के बिल्कुल दरमियान में जो ये कैपिटल लाइन है, यहाँ पर 105 का एंगल बनेगा। इसे आप यहाँ पर पॉइंट ले लें, इस पॉइंट में से हम एक रे ए से पास करेंगे, यानी कि पॉइंट ए और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये है 105 का, 105 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि 105 डिग्री को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसका तरीका वही है। हम इसमें भी जो है कैंपस लेंगे मुनासिब, इसे ओपन करेंगे और इसके बाद जो है एक आर्क लगाएंगे जो इन दोनों रेज को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसे आप नाम दे दें, ये ए बी और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब डी और ई पर कैंपस को रख कर आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है जी। ई पर रख कर पहले आप एक आर्क लगाएंगे,
ठीक है जी। उसके बाद आपने डी पर रख कर एक आर्क लगानी है। अब इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उसे आप हाईलाइट कर दें। अब इस पॉइंट और ए को मिला दें, यानी कि इसमें से एक रे पास करें। यहाँ पर हम रेड बॉल पेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि इसे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये अभी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इस एंगल को हम मज़ीद टू इक्वल पार्ट्स में करेंगे और इसे भी टू इक्वल पार्ट्स में करेंगे, तो ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें, इसे आप नाम भी दे सकते हैं एफ का। अब ई और एफ की मदद से इस एंगल को मज़ीद हम बाईसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर रखकर ये आर्क लगाएं जी, इसी रेडियस के लगा लें या इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और एक आर्क आपने एफ पर रखकर लगानी है। तो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसे आप हाईलाइट कर देंगे, और इस पॉइंट में से आप ये पास करेंगे जी। रे इस तरीके से आपने इसे भी मज़ीद टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए भी आप अमल को दोहराएंगे कि एफ पर रख कर आपने एक आर्क लगानी है, फिर आपने डी पर रख कर एक आर्क लगानी है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसे हाईलाइट करें और इस पॉइंट को और ए को मिला दें। अब देखिए जी, 105 का एंगल फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो एंगल है वो है 45 का। 45 के लिए जी अब वही काम करेंगे। सबसे पहले आपने एक मुनासिब लेंथ की एक आर्क लेनी है। ठीक है जी, ये हमने आर्क ले ली। इसके बाद आपने इसे एक पॉइंट को नाम दे देना है, ए कह लें, इसे आप बी कह लें। अब ए के ऊपर आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। पहले प्रोट्रैक्टर की मदद से हम कर लेते हैं, कैंपस भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं लगाई गई कि आपने कैंपस यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी, आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करें या कैंपस। तो प्रोट्रैक्टर से ड्रा करना आसान है इसलिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए जी, 45 डिग्री है ये, यहाँ स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, और ये 40 और 50 के दरमियान में ये जो कैपिटल लाइन है यहाँ पर वाक़ है 45 डिग्री। इस पॉइंट को और ए को मिला देंगे, इसे आप सी का नाम दे दें। ठीक है जी। अब हमने इस एंगल को, ये है 45 का एंगल, इस एंगल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप वही अमल करेंगे कि यहाँ पर कैंपस रखेंगे, ठीक है जी, और एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने इन दोनों रेज को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसे आप हाईलाइट कर दें, इसे आप सी का नाम दे दें, इसे डी का नाम दे दें। अब सी और डी की मदद से हम इस एंगल को बाईसेक्ट करेंगे। एक डी से, डी की मदद से हमने आर्क लगाई, अब एक सी की मदद से आर्क लगाएंगे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसे हम हाईलाइट कर देंगे। अब इस पॉइंट में से हमने एक रे पास करनी है जो हम स्टार्ट करेंगे ए से। ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसके बाद देखें, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दें, जो हमने आर्क ड्रा की थी उस आर्क को, ये जो रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे हाईलाइट कर दें। इसे आप नाम दे दें ई का, ठीक है जी। अब ई और डी की मदद से हम इसे बाईसेक्ट करेंगे और फिर ई और सी की मदद से इसे बाईसेक्ट करेंगे। तो देखें जी, हम सबसे पहले जो है
इसे कुछ ज़्यादा ओपन कर लेते हैं ताकि ये इस पॉइंट के साथ मिक्स ना हो। अब ये डी पर रखकर हमने आर्क लगाई है, अब ई पर रखकर आर्क लगाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट में से हम एक रे पास करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद ही आपने ई और सी की मदद से टू आर्क्स लगानी है। ये ई की मदद से आर्क लग गई और ये सी की मदद से, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है ये वाला। अब इस पॉइंट में से एक रे और पास करेंगे तो ये गिवन जो एंगल है ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे ये 45 का जो एंगल है ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है जी। तो यही काम हमने करना था। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द गिवन फिगर। पार्ट 1 की फिगर ये है, पार्ट 2 की फिगर ये है। इनमें जो एंगल्स अननोन गिवन है उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए पार्ट 1, अब देखें जी पार्ट 1 में जो डायग्राम गिवन है वो ये आपके सामने है। हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। अब अननोन एंगल्स कब फाइंड होंगे कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी। क्या होगी जी? एक्स की वैल्यू। अब हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें स्ट्रेट लाइन, या आप कह लें कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है जी। तो आप ये राइट करेंगे एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180, और यहाँ पर 2x गिवन है तो हम राइट करेंगे 2x इज इक्वल टू 180, कि इस 2x की वैल्यू 180 है। अब इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें जी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, ये डिग्री है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब x की वैल्यू की मदद से हम अननोन एंगल्स फाइंड करेंगे। ये x की वैल्यू आप नीचे वाली साइड पर जो एंगल बने हुए हैं इनकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ये एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल का सिंबल होता है। तो आप इन तीनों का सम लेंगे इज इक्वल टू 180 राइट करेंगे, और आगे आप हवाला देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बाद में फिर ये आप एंगल्स फाइंड करें। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ऊपर वाले एंगल की मदद से। अब हमने ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है, जबकि ऊपर वाला एंगल क्या है हमारे पास? ऊपर वाला एंगल है 2x। तो अब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इस तरीके से हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू है 180 डिग्री, ये हमने फाइंड की, ठीक है जी। अब इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें जी 1/2 x, अब 1/2 एज इट इज़, x की वैल्यू हमने 90 डिग्री फाइंड किया, तो यहाँ पर इनकी करेंगे कटिंग। 2 1 ज़ 2, 2 4 ज़ 8, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ 10, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास 1/2 x की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी, और ये भी 45 डिग्री है। इन दोनों की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 45 डिग्री। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। यही हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना थी। ये है 180 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में भी देखें जी, ये आपके सामने डायग्राम है।
हमने अननोन एंगल फाइंड करने हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक्स और वाई होना ज़रूरी है, जिनकी मदद से हम अननोन एंगल्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, लेकिन है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड पर बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। आप राइट करेंगे एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हवाला देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से देखें, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन्हें ऐड करें, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कटिंग करें, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री ज़ीरो ज़ीरो, सिक्सटी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आएगा। तो एक्स की मदद से हम इन एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो ये तो हमारे पास एक्स है, तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। जबकि टू एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जी। इसके लिए देखें, टू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू, एक्स की वैल्यू 60 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 120 आ जाएगी। तो ये 120, तो यहाँ पर पॉइंट नोट करें कि हमने अभी बात की थी कि जो एक लाइन की एक साइड पर बनने वाला जो एंगल है वो 180 है, मतलब उनका जो सम है वो 180 है। तो आप देख सकते हैं कि 120 प्लस 60 180, ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ पर देखें जी। अब यहाँ भी पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने राइट करना है कि y प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन के एक साइड पर बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर राइट करेंगे कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइन सॉरी y की वैल्यू फाइन करने के लिए y को सेपरेट करेंगे, 140 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 140 y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ चुकी है। अब इसकी मदद से हम ये अननोन वैल्यूज़ फाइन करेंगे। अब देखें जी, ये y की वैल्यू 40 डिग्री हमने फाइंड की, तो यानी कि ये एंगल 40 डिग्री का होगा। तो यही काम हमने करना था, अननोन एंगल फाइंड करना थे, कर लिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और आप वो लेक्चर ले सकें। अस्सलामु अलैकुम।